विकास के लिए बता सकता हूँ कि आप यहाँ से अगर आरके आश्रम जाओगे ना तो 5 मिनट की जगह आधे घंटे में पहुंच जाओगे। इतना बढ़िया विकास है, चारों तरफ गड्ढे हैं, आप देख सकते हो। चूना मंडी में होती है, सुबह सुबह होती है, वो भी चालू करके चले जाते हैं। ये देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, कितने खड्डे हो रहे हैं, ट्रैफिक इस तरीके का रहता है। हाँ, इसी मारे रहता है, ये खड्डे हो रहे हैं तो बचाते हैं गाड़ियाँ, तो उस वजह से ट्रैफिक होता है। ये टूटा फूटा रोड है पूरा, लोगों को चलने में परेशानी है, गलियों में देखो पूरा जाग जाग के पूरा टूटा फूटा है, कहीं से निकलने पैदल चलने का रास्ता नहीं है। असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ वितेष्णा मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं करोलबाग विधानसभा के पहाड़गंज इलाके और जिस गली में मैं खड़ी हूँ उसे चूना मंडी कहा जाता है, और यहाँ से जो विधायक है वो विशेष रवि है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि विधायक ने कैसा काम किया है, और आपको पता है कि आधी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं, कितना स्पीड से हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। क्योंकि हालांकि उनके जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, वो लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली का विकास हो रहा है, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है। तो पहले तो मैं आपकी चूना मंडी की जो तस्वीर है वो इसका यहाँ पर कोना दिखाने की कोशिश करूंगी कि देखिये यहाँ पर आज कोई संडे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शनिवार है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है और गंदगी आपको देखने को मिलने की यहाँ पर जगह जगह। तो यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे जो विधायक है विशेष रवि, उन्होंने कितना काम किया है। हालांकि सड़कें मैं कम से कम एक हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ पर सर्वे कर रही हूँ, मुझे सड़कें यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, सारी टूटी हुई है, धूल मिट्टी उड़ती है, बात करने में तकलीफ होती है, तो सोचिए यहाँ की जनता को कितनी तकलीफ होती होगी। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है। ये बताइए कि विशेष रवि जो विधायक है आम आदमी पार्टी से, कैसा काम किया है? मैं विकास के लिए बता सकता हूँ कि आप यहाँ से अगर आरके आश्रम जाओगे ना तो 5 मिनट की जगह आधे घंटे में पहुंच जाओगे। इतना बढ़िया विकास है, चारों तरफ गड्ढे हैं, आप देख सकते हो। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, खाली बिजली पानी फ्री करा था, वो भी बंद हो गया। अब आम आदमी को, खासतौर गरीब तबके के आदमी को आराम है ही नहीं किसी प्रकार का, फ्री नहीं चाहिए, विकास करो बस। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मुझे फ्री नहीं चाहिए, विकास करके दो। रिक्शा चलाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है सड़कों पर, कैसी सड़क? इतनी तकलीफ होती है कि कोई भी सवारी गिर सकती है। हाँ। उसके चोट लग सकती है। कभी हादसा हुआ ऐसा? ऐसे कई हादसे हुए, आप यहाँ का छोड़िए, पहाड़गंज जाके देखिए, सदर बाजार में जाके देखिए, चांदनी चौक में देखिए जाके, ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें गड्ढे ना मिले। अरविंद केजरीवाल जो की आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, दिल्ली विकास कर रही है। हाँ, चमक रहा है, चमक रहा है, दिल्ली के हर जेल चमक रहा है उनके अंदर जाने से, लेकिन बाहर नहीं चमक रहा कुछ भी। उनसे कहो बाहर घूमे पैदल एक आध दफा, तब पता चलेगा, साइकिल लेके घूमे, वो जो साइकिल दिखाते हैं ना प्रदूषण मुक्त, पहले वो खुद प्रदूषण मुक्त हो जाए, अपनी खांसी सही करवाने तो बाहर गए थे, यहाँ के मरीज कहाँ जाएंगे। बोला क्लिनिक तो बनाया ना? बनाया, कुत्ते वहाँ करते रहते पूरे दिन, डॉक्टर नहीं कुत्ते वहाँ? हाँ नहीं, डॉक्टर है लेकिन जब उसमें कोई बैठता नहीं तो वहाँ कुत्ते ही बैठे रहते पूरे दिन। दवाइयाँ सही नहीं मिलती वहाँ बोला क्लिनिक? कुछ नहीं मिलता मैडम, ये सब अब नाम का है, इनों के साल पूरे हो गए। हाँ। अब नहीं आने के, तो कह रहे हैं 3-4 महीने का वक्त है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और लगातार देखिए पद यात्रा भी मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि दिवाली से पहले पहले सड़कें सही हो जाएंगी, मुझे एक भी सड़क बता दीजिए अगर सही करी हो, खाली गड्ढे बने, गड्ढे बनने से विकास नहीं होता, विकास होगा जब पूरी तरीके से बनाएंगे। आगे कहीं जाके देखिए सिविल लाइनें पूरी भर भर के बाहर आ रही है पानी से। तो MCD कर्मचारी क्या करते हैं? MCD कर्मचारी अब तो वो MCD में भी है, उनका काम है ये सब देखना, बीजेपी आ गई या कोई कांग्रेस आ गई या कोई आम दूसरी पार्टी आके थोड़ी ना देखेगी, ये तो उनों का काम है, वो देखेंगे अपने। जैसे कि आज तो कोई संडे भी नहीं है, रविवार भी नहीं है, ये बहाना लगा दिया जाता है कि भाई MCD कर्मचारी संडे को नहीं आते, आज शनिवार है फिर भी यहाँ पर कूड़ा देखने को मिल रहा है, तो MCD कर्मचारी की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उन्हों की यही है कि वो सुबह मॉर्निंग में आते हैं, अपना कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद ड्यूटी खत्म होने 3 बजे तक की ड्यूटी खत्म करके चले जाते हैं, उसके बाद अगर गंदगी होगी तो उसे कौन साफ करेगा, या तो डबल शिफ्ट में ड्यूटी हो। तो इतनी जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, इसमें सिर्फ एक बार की शिफ्ट है MCD? हाँ, ये की शिफ्ट है इधर। हाँ। NDMC में है शिफ्ट है, दो दो तीन तीन। अच्छा। इसमें MCD में खाली एक ही शिफ्ट है। अच्छा,
अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किए, वो विकास नहीं कर रही है, तो ऐसी कौन सी पार्टी जो दिल्ली का विकास कर सकती है? देखिए, मैं पार्टियों के बारे में नहीं बोल सकता, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली इतना ही मतलब है कि दिल्ली में विकास करो, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना चाहता। तो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कोई विकास नहीं किया? मेरी नजर में तो नहीं किया जी। वो तो कह रहे दिल्ली मॉडल बन रही है, दिल्ली चमक रही है। मॉडल बन रही है, मॉडल को कम मना कर रहा हूँ, गड्ढे नहीं पड़े आज से पहले थे कभी गड्ढे? जितना भी विकास दिल्ली के अंदर हुआ ना, शीला दीक्षित के अलावा उसके बाद किसी ने कोई विकास नहीं करा। शीला दीक्षित को हराने वाले भी तो अरविंद केजरीवाल थे? वो नहीं थे। कौन था? वो अपने विधायक थे। अच्छा, आज जनता थी मूर्ख जो लालच में आ गई। तो अब जनता क्या चाहती? कांग्रेस वापस आए? कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन विकास करो, कोई भी आए, कहने का मतलब ये है। अंकल जी, ये बताइए, आप कितने समय से दुकान लगा रहे हैं? काफी साल हो गए। हैं? काफी साल हो गए। काफी साल कितने? 30 साल तो हो गए। 30 साल। ये बताइए कि आपने तो सारी सरकारें देखी होंगी, किसकी सरकार ने सबसे ज्यादा दिल्ली में विकास किया? दिल्ली में कांग्रेस ने करा था, जब उससे बाद नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल? नहीं, ऐसा इतना नहीं है। केजरीवाल कह रहे दिल्ली मॉडल बन रही है। देखो क्या मॉडल बन रहा है, आप भी दे सकते हो। हाँ। क्या कूड़ा गंदगी हो रही है, क्या खड्डे हो रहे हैं? एमसीडी कर्मचारी नहीं आते क्या? नहीं, कोई आते हैं, सुबह सुबह करके जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई सुनाई नहीं। अच्छा, और कोई जैसे आप यहाँ रेडी पटरी लगाते, तो रेडी पटरी वालों के लिए आम आदमी पार्टी ने लाइसेंस बनाया या नहीं? नहीं, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। ये जो है विधानसभा मुल्तानी ढांडा, इसमें ये बताइए कि साफ सफाई होती है या फिर नहीं होती? मुल्तानी ढांडे का नहीं पता हमें, हमें चूना मंडी, चूना मंडी में हाँ। होती है, सुबह सुबह होती है, वो भी चालू करके चले जाते हैं। ये देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, कितने खड्डे हो रहे हैं, और ट्रैफिक इस तरीके का रहता है। हाँ, इसी मारे रहता है, ये खड्डे हो रहे हैं तो बचाते हैं गाड़ियाँ। अच्छा, तो उस वजह से ट्रैफिक होता है। विधायक आते नहीं है कभी? हमने तो देखे नहीं, किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते, वोट लेके चले जाते हैं। वो उसी टाइम आते हैं जिस टाइम वोटरों का काम होता है, उसके बाद नहीं। जैसे 3-4 महीने के वक्त में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए? अब देखो जी, हम तो ये नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते ऐसी बात। विधायक यहाँ से बदलेगा या विधायक वही रहेगा? विशेष हम कह तो रहे हैं, हम ये बात नहीं कह सकते। अब जो काम अच्छा करे तो वही तो है, आप काम कोई अच्छा कर रहे हैं, अब देखो क्या हुआ, पर कोई काम अच्छा नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? अब हमें तो सही लगते हैं, वैसे तो ईमानदार हैं। हाँ, वैसे तो ईमानदार है। तो शराब घोटाले में क्यों अंदर गए? वो सब झूठे केस हैं, वैसे कुछ नहीं है। एक फैक्ट्री तो चलाई थी ना दिल्ली में? हाँ, जनता के लिए। हाँ, चलाई थी, सब ऐसे ही है, भी नहीं किया, टूटा फूटा रोड है पूरा, लोगों को चलने में परेशानी है, गलियों में देखो पूरा जाग जाग के पूरा टूटा फूटा है, कहीं से निकलने पैदल चलने का रास्ता नहीं है। थोड़ा इधर आइए। अच्छा, ये बताइए, टूटी फूटी रोड कब से है? ये जब से विधायक बने तब? हाँ, जब से है। तो विधायक के तौर पर उन्होंने कुछ काम किया या नहीं? कुछ भी काम नहीं किया है, जगह जगह पानी भर जाता है, थोड़ा भी बारिश आ जाता है, कोई भी नाला क्लियर नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसी लग रही है आपको? आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी अभी काम नहीं किया है यहाँ पे, तो 10 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ आम आदमी पार्टी, बहुत कम काम हो रहा है, 5 साल तो बिल्कुल ऐसे खाली चला जाता है। बिजली पानी ये सब क्या? बिजली पानी ठीक है। हाँ। बिजली पानी का शिकायत तो बढ़िया है, रोडों में कोई काम ढंग का नहीं है, ना ही साफ सुथरा है, आप खुद देखिए नजर मार के, कोई भी गार्डर क्लियर नहीं, एक जरा सा बारिश आ जाए यहाँ पे पूरा रोड पानी पानी भर जाता है। आप ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो चलाते हैं तो सड़कों पर कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, आपको तो ऐसी जगह यहीं पे दिखा दूंगा कि ऑटो भैया इधर से उधर पलटियां मारता गाड़ियां। तो अब जैसे विधानसभा चुनाव है, तो क्या चाहते हैं कि बदलाव हो या आम आदमी पार्टी रिपीट करे? रिपीट करेंगे तो उनके लिए अच्छा है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। जनता के लिए अच्छा है या नहीं है? जनता के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, रिपीट करेगी तो आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। पर आप तो कह रहे काम नहीं हुआ कुछ, तो काम क्या बात, आगे उनको कोई मौका मिले करने का, ये आगे के लिए उनको अगर काम दिखाना हो तो अभी से दिखा सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते, आम आदमी करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कुछ भी नहीं किया है। तो वही तो सवाल है, 10 साल मौका दिया दिल्ली की जनता ने, आपने कहा कि 5 साल काम हुआ, 5 साल बिल्कुल काम नहीं हुआ, तो दिल्ली की जनता आगे क्यों मौका देना चाहती है और किस लिए देना चाहती है? अब किस कारण मौका देना चाहता है मैडम, ये तो अभी कुछ हम भी बता नहीं पाएंगे, अब आगे देखो उनको क्या रिप्लेट मिलता है, उनको क्या आगे चल के। आम आदमी पार्टी ये नारा लेके आई थी, कट्टर ईमानदार है हम, ये सब तो बेकार की बात है, काम में होता ईमानदारी, नाम में कोई नाम से नहीं होता, काम करके दिखाओ, काम करके दिखाएंगे आप तब ना होगा ईमानदारी, ईमानदारी मुंह से बोलने से क्या होता है ईमानदारी।
ईमानदारी जब होता है जब आप कोई अच्छा काम करके दिखाएंगे, जनता को भला करेंगे। खाली बिजली पानी से पेट भर जाएगा, और भी तो कुछ सुविधा चाहिए। लोगों की महंगाई है, खाने पीने में दिक्कत है, गरीब आदमी कहाँ से खा पाएगा। जो सरकार थी 15 साल शीला दीक्षित रही, उनका काम अच्छा रहा। इतना महंगाई नहीं था उनके टाइम पे। सर के भी अच्छा काम भी बढ़िया होता था। ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल के टाइम पर हुआ है या शीला दीक्षित? शीला दीक्षित के टाइम पे काम अच्छा हुआ था। तो देखिए, इस वक्त मैं चूना मंडी गली में मौजूद थी। यहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है, क्या विशेष रवि इस बार यहाँ से विधायक बनेंगे या यहाँ की जनता जो है बदलाव करेगी। 3-4 महीने का वक्त बचा है, दिल्ली की जनता इस बार क्या चाहती है, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट डालेगी, तो देखना यही होगा। इस बार क्या रिपीट होने वाली है आम आदमी पार्टी या फिर बदलाव होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।